नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में दौड़ती निजी कंपनियों की बसों पर अक्सर अवैध रूप से सामान ट्रांसपोर्ट करने और तस्करी के आरोप लगते हैं। कुछ मामलों में तस्करी का सामान भी बरामद किया गया है। ऐसा ही एक मामला देर रात उदयपुर में सामने आया, जब पुलिस ने अहमदाबाद से आ रही एक पैसेंजर बस से 8 करोड़ रुपए के सवा टन 1200 किलो चांदी बरामद की। विशेष बात यह है कि बस में अलग अलग जगह पर रखे गए इस चांदी के खजाने का कोई भी मालिक सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोवर्धन विलास थानाधिकारी चैल सिंह ने बताया कि बस से लाखों रुपये की सिल्लियाँ जेवर लाए जाने की सूचना थी। इस पर टीम समेत बालीचा बाईपास पर नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने अहमदाबाद की तरफ से आ रही श्रीनाथ ट्रेवल्स की स्लीपर कोच बस रुकवाई। बस में तलाशी ली गई तो 8 करोड़ की 1 टन से ज़्यादा चांदी बरामद की गई है। पुलिस को बस से 1222 किलोग्राम यानी 1.22 टन चांदी जब्त की है। इसमें 450 किलो चांदी सिल्ली के रूप में मिली, वहीं 772 किलो गहनों के रूप में चांदी मिली। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन के नीचे आते आते बच गई। जीआरपी जवान की सजगता के कारण वह मौत को हराने में कामयाब रही। महिला जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गई, फिर ट्रेन के साथ घसीटती हुई चली गई। मौके पर मौजूद जीआरपी के जवान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर बचाया। यह पूरा हादसा प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना शाम करीब 7:05 की है। जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उसी समय प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक महिला ने ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ लगा दी। ट्रेन में चढ़ने के लिए उसने कोच के दरवाजे पर लगा हैंडल पकड़ लिया। वह अंदर चढ़ पाती उससे पहले उसका पांव फिसल गया। महिला ट्रेन के साथ घिसटते हुए धीरे धीरे ट्रेन के नीचे की तरफ जाने लगी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़े जीआरपी के जवान साजन राम ने तुरंत महिला का हाथ पकड़ा और ट्रेन से दूर खींच लिया। जयपुर में 3 मंजिला मकान में रविवार तड़के आग लग गई। आग लगने से मकान की तीसरी मंजिल पर 4 युवक फंस गए। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस, सिविल डिफेंस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने मकान के साइड से फायर ब्रिगेड की लैडर लगाकर आग में फंसे चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से मकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना मान रही है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर उषा शर्मा ने बताया कि जगतपुरा में अक्षय पात्र के पीछे नरेंद्र कुमार अरोड़ा का 3 मंजिला मकान है। शनिवार रात को मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरों में 4 युवक सो रहे थे। तड़के करीब 4 बजे अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से मकान की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। कमरे में रखे फर्नीचर आदि सामान को चपेट में लेने से आग ने कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया। जयपुर में शादी का झांसा देकर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। रिलेशन में रहने के दौरान प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन भी करवा दिया। पीड़िता ने मोती डूंगरी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। SHO सुरेंद्र पंचोली ने बताया कि आदर्श नगर मोती डूंगरी निवासी 28 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी धनंजय सिन्हा पिछले काफ़ी सालों से दोनों एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। साथ जॉब करने के दौरान दोनों में बातचीत होती रहती थी। बातचीत के दौरान आरोपी धनंजय सिन्हा ने उसे प्रेम जाल में फांस लिया। करीब 1.5 साल पहले शादी करने का वादा कर धनंजय ने उसके साथ रेप किया। शादी का दबाव आने पर आरोपी ने मना कर दिया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी धनंजय सिन्हा ने नाटकीय ढंग से उसके साथ रेप किया, धोखाधड़ी कर उसके 5 के अंजन में बच्चे की हत्या करवा दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर शहर के सदर थाना इलाके में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो सवार एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वृद्ध को अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर भगा ले गया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल शौकीन खान ने बताया कि टेम्पो सीकर में सालासर बस स्टैंड इलाके से 6 से 7 सवारियों को लेकर रवाना हुआ था, जो सीकर से पालवास की तरफ जा रहा था। इस दौरान पालवास रोड पर पालवास गांव की तरफ से आ रहे एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें युवती शारदा की मौके पर ही मौत हो गई तथा टेम्पो चालक सहित अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल आते समय एक घायल विजय सिंह को भी मौत हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। टेम्पो सवार लोगों से पूछताछ में सामने आया कि पालवास गाँव से आ रहा ट्रैक्टर तेज़ रफ्तार में था। जयपुर कन्यादान सेवा संस्थान की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले शातिर संचालक सहित एक जने को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई लोगों से धोखाधड़ी करने की बात कबूल की है।
पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर धोखाधड़ी की अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस का मानना है कि ठगों ने गरीब परिवारों के वर वधु को सामान देने के नाम पर अब तक सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया है। डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी कन्यादान सेवा संस्थान के संचालक मांगीलाल बैरवा और ब्रिजमोहन मौर्य को तलाश कर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी मांगीलाल के खिलाफ चाकसू करने विहार मालवीय नगर में 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें गरीब लोगों के संस्था के मार्फत शादी में अधिक सामान देने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी की गई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मांगीलाल और ब्रिजमोहन संस्था में प्रचार के लिए अखबार में न्यूज़ देकर पंपलेट छपवाकर प्रचार करते हैं। गरीब परिवारों से वर वधु की शादी में सामान देने का प्रलोभन देकर सहायता राशि के रूप में दोनों पक्षों से लाखों रुपये वसूलते हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन लोगों के साथ धोखाधड़ी में कितने लोग और शामिल हैं। युवक को सोता छोड़ लुटेरी दुल्हन का नकदी व जेवर लेकर भागने का नया केस सामने आया है। शादी के बाद दुल्हन केवल 2 दिन ही ससुराल में रुकी। इससे पहले दलाल को 2 लाख रुपए देकर युवक ने जलगांव की युवती से कोर्ट मैरिज की थी। युवक के साथ लगातार दूसरी बार ऐसा वाक्य हुआ है। इससे पहले सामाजिक रीति रिवाज से हुई शादी के करीब 3 साल बाद पत्नी से युवक को छोड़ गई थी। पहली पत्नी के एक लड़का भी हुआ था, लेकिन किसी दूसरे युवक से अफेयर के बीच पत्नी उसे छोड़ गई। मामला बांसवाड़ा के कोतवाली थाने का है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि भागाकोट कल्याण कॉलोनी निवासी उमेश तंबोली के साथ ये धोखा हुआ है। इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी की मल्टी में आग लगाने के आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित को पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। इस अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देना कबूल किया। उसने बताया कि वो मल्टी में रहने वाली एक युवती से प्यार करता था, उसी से विवाद के चलते उसने गाड़ी में आग लगाई थी। पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में उसके हाथ पैर भी टूट गए, जिसके बाद पुलिस उसे घायल हालत में देर रात MY अस्पताल लेकर पहुंची। आरोपी ने पुलिस को बताया, मैं सना नाम की लड़की से बहुत परेशान हो गया था, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझसे खूब खर्चा करवाया, मैंने उसे हमेशा पैसे दिए हैं, कभी मांगे नहीं, वो हमेशा किसी न किसी बात के लिए पैसे मांगती थी, कभी कुछ दिला दो कभी कुछ दिला दो, बाद में पता चला वो बेवकूफ बना रही है, कई लोगों के साथ लगी हुई है, मैंने सोचा कभी उससे बात नहीं करूंगा तो वो मेरे पीछे ही पड़ गई, मैं तो सिर्फ उसकी गाड़ी की सीट जलाना चाहता था, सोचा था उसके बाद सब खत्म कर दूंगा, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। प्रदेश में 10 भाजपा कार्यालयों का 11 मई को शुभारंभ होगा। हनुमानगढ़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसका फिजिकल शुभारंभ करेंगे, बाकी 9 जगहों पर वर्चुअल शुभारंभ की औपचारिकता होगी। इसे लेकर स्थानीय पार्टी प्रतिनिधियों की ओर से तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं। बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, गंगानगर, अलवर, धौलपुर, अजमेर, नागौर में कार्यालय का वर्चुअल फीता काटा जाएगा। इसी प्रकार चूरू, दौसा, बारा और प्रतापगढ़ के कार्यालयों का शिलान्यास होगा। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ कार्यालयों की डिजाइन लगभग एक जैसी है, इसका निर्माण भी एक ही ठेकेदार कर रहा है। हनुमानगढ़ जिले के पोली हाउस के नाम से करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जांच अधिकारी CO SC ST सेल प्रहलाद राय के निर्देशन में बनी टीम ने इस मामले में आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जंक्शन सिटी थाने में 2019 से मामला दर्ज था, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगने की वजह से पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है। SC ST सेल CO प्रहलाद राय ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान विनोद कोहली उधर मदनपाल कोहली सेक्टर 12 पंचकुला के रूप में हुई है। CO प्रहलाद राय ने बताया कि आरोपी विनोद पर आरोप है कि उसने 5 किसानों को पॉली हाउस दिलाने के नाम पर बैंक से करीब 5 करोड़ रुपए लोन लेकर किसानों और बैंक से धोखाधड़ी की थी। आरोपी ने किसानों को पॉली हाउस लगाने का हवाला देकर 5 करोड़ रुपए हड़प कर फरार हो गया।